नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां पीएम मोदी आज और कल छत्तीसगढ़ के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान पहली बार राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। उनके आगमन को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा था कि अपनों का आशीर्वाद लेने आज छत्तीसगढ़ के जांजगीर और महासमुंद रहूंगा। आपको बता दें कि पीएम इन दोनों दिनों में तीन चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार भी करेंगे। प्रधानमंत्री दो दिवसीय छत्तीसगढ़ के प्रवास पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को इस बात की जानकारी सोशल मीडिया एक्स हैंडल के माध्यम से दी, और इसी खबर पर रायपुर से हमारे साथ संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। जो मनोज, जिस तरह से प्रधानमंत्री दो दिन के छत्तीसगढ़ के प्रवास पर रहेंगे, तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं और छत्तीसगढ़वासी कितना उत्साहित है? आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 26 तारीख को होना है, जिस बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जो बीजेपी इस बार इसका दावा है कि छत्तीसगढ़ से 11 की 11 सीटें लोकसभा की यहां से जीतकर मोदी की झोली में डालेंगे, जिसे लेकर किसी भी प्रकार की बीजेपी गलती नहीं करना चाहती। इसी बात को लेकर बीजेपी लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं का, स्टार प्रचारकों का दौरा छत्तीसगढ़ में बना हुआ। इसी के तहत नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का दौरा यहाँ पर है। और एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि रात्रि वो 10 साल बाद यहाँ पर विश्राम भी करेंगे रायपुर की राजधानी राजभवन में जी, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर करीब 1500 जवानों को उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक पूरी छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है जी। जी बिल्कुल, जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं, 10 साल बाद छत्तीसगढ़ में रात्रि प्रवास भी करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो इस समय कार्यकर्ताओं में कितना जोश देख पा रहे हैं आप? जी प्रियंका, बिल्कुल, नेताओं के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है कि, और स्वाभाविक सी बात है, नरेंद्र मोदी उनके बड़े चेहरे हैं, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में उनका ये पहले चरण के मतदान में बस्तर में आए थे वो, उसके बाद ये दूसरा उनका दौरा छत्तीसगढ़ के लिए, दो दिवसीय दौरा है और तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में। तो ये दौरा काफी अहम माना चुनाव को लेकर जी। जी बिल्कुल, बीजेपी प्रत्याशियों की बात करें तो चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी हैं, प्रधानमंत्री के दौरे पर आने से उन प्रत्याशियों को कितना बल मिलेगा? प्रियंका, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के आने से बीजेपी को काफी बल मिलेगा, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, जिसके जनता भी उनको लगभग पसंद भी करती है, जिसे लेकर उनका आना छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है लोकसभा चुनाव में जी। जी बिल्कुल, इसके अलावा मनोज, अगर तैयारियों की बात करें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे, कितनी भारी संख्या में लोग आएंगे और जनसभाओं और रैलियों को लेकर तैयारियों की क्या स्थिति है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में तीन सभाओं को लेकर नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम होना, इसको मेगा शो कहा जा सकता है, जिसको लिए जो है यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी आकर रात रुके थे और डेरा डाले हुए थे कि को एक ऐतिहासिक जनसभा बनाना है। इसके लिए जो है पूरी बीजेपी एड़ी चोटी एक कर दी है, जिसे लेकर स्थानीय नेताओं के साथ साथ बड़े स्टार प्रचारकों का भी दौरा छत्तीसगढ़ में लगातार बना हुआ था जी। जी मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर छत्तीसगढ़ में विशेष तैयारी, और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए निशाना साधा है। पूर्व सीएम टीएस सिंहदेव ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 के वीडियो को पोस्ट कर लिखा है, 18 साल पहले एक संवेदनशील और ज्ञानी प्रधानमंत्री ने समता की बात की थी, वहीं कल एक संवेदनहीन और भेदभावपूर्ण प्रधानमंत्री ने उसी बात का दुरुपयोग करके देश को बांटने की कोशिश की।
खबर कांकेर से, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी हुंकार भरी। नक्सलियों पर शाह जमकर गरजे, कहा अभी भी समय है सरेंडर कर दो वरना लड़ाई का परिणाम तय है। वहीं गृह मंत्री ने जनसभा के दौरान राहुल गांधी और भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांकेर से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने नक्सलियों को कड़ी सजा की चेतावनी दी है और कहा है कि नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाया है। आंध्र प्रदेश समाप्त, तेलंगाना समाप्त, बिहार समाप्त, झारखंड समाप्त, मध्य प्रदेश समाप्त, और मैं कहकर जाता हूं 2 साल दे दीजिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दीजिए, छत्तीसगढ़ से हम नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे। भिलाई में आयोजित जेपी नड्डा की सभा में पूर्व सांसद वासुदेव चंद्राकर की बहू शैलजा चंद्राकर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही छत्तीसगढ़ी कलाकार प्रकाश अवस्थी ने भी बीजेपी का दामन थामा। दोनों को जेपी नड्डा ने पार्टी का गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया। दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब स्टार प्रचारकों ने कमान अपने हाथों में ले ली है। अलग अलग लोकसभा सीटों में स्टार प्रचारक लगातार जनसभा कर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंचे। उन्होंने भिलाई में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कई लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी को गमछा पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर राजनांदगांव से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में आयोजित नुक्कड़ सभा में शिरकत की, जहां उन्होंने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने जिस पर महादेव से टैप को चलाने के लिए 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है, जिस पर एफआईआर भी दर्ज की गई है, उसे अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं भूपेश बघेल के प्रत्याशी बनने से राजनांदगांव में हमारी जीत और आसान हो गई है, हमारे चुनाव प्रचार की मेहनत कम हो गई है। राजनांदगांव से बीजेपी के लोकप्रिय प्रत्याशी संतोष पांडे फिर से जीत रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि पूरे 5 साल की सरकार में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अपमानित करने का काम किया है। कि आप लोग कैसे राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र को जीतेंगे, यहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रत्याशी है। तो मैं कहें कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद, भूपेश बघेल जैसा एक दागदार चेहरा को यहाँ पर प्रत्याशी बना के भेजा है, हम लोगों का चुनाव बहुत आसान हो गया है। खबर कोरबा से, जहां नागरिक आपूर्ति निगम में कमी दिखाई दे रही है। कोरबा के वेयर हाउस में स्टॉकिंग से संबंधित कामकाज समय पर तैयार नहीं हो पा रहा, इसके चलते राशन दुकानों का समय से चावल का आवंटन करना मुश्किल हो चुका है, जिस पर दुकान संचालकों ने नाराजगी व्यक्त की है। जबकि आपूर्ति निगम के प्रबंधन का कहना है कि व्यावहारिक कारणों के चलते समस्या हो रही है। आपको बता दें कि सरकार के निर्देश पर राशन उपभोक्ताओं को 2 महीने का चावल एक साथ देने की व्यवस्था की जानी थी, लेकिन राशन दुकान के संचालक इस काम को नहीं कर सके। जानकारी के मुताबिक नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अनेक पीडीएस संचालकों को चावल का आवंटन नहीं किया जा सका। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला बने हुए हैं। जी मनोज, जिस तरह से चावल के आवंटन को लेकर यहां पर दिक्कतें पेश आ रही हैं और इससे जनता भी परेशान है, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास है और क्या कार्रवाई अब तक हुई है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि जनता परेशान है और नेता चुनाव में व्यस्त है। जिसे और आपको इसमें महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 महीने का चावल जो है सरकार के निर्देश पर उपभोक्ताओं को देना था, जिसे लेकर राशन के दुकानदार जो है भटक रहे हैं, राशन उनको मिल नहीं पा रहा है। और वो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है जनता की परेशानियों को भी राशन दुकानदार समझा नहीं पा रहे हैं। जनता उतावली है कि 2 महीने का चावल मिलना है और उनको अभी तक मिला नहीं। और छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि चावल, यहाँ चावल प्रमुख चीज है जो खाने में अहम माना जाता है, चावल से ही यहाँ के लोगों का पेट भरता है छत्तीसगढ़ में। तो इसको देखते हुए जो है उनको चावल नहीं मिल पाना, ये बहुत बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ के लिए है। और इसमें जो है निगम के जो अधिकारी है उनसे बात करने पर यह जानकारी सामने आई कि यह प्रक्रिया चावल उठान स्टॉकिंग की जो समस्या है ये जो है प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिसको
हमाली नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, जिस वजह से ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही। इसमें हम कुछ नहीं करें, सीधे सीधे मतलब ये बोला जा सकता है कि वो अपना सीधे सीधे पल्ला झाल लिए, लेकिन इससे जनता की समस्या लगातार बनी हुई है। जी जी बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पर संचालक लगातार शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं, इस पूरे मामले में तमाम शिकायतें आने के बाद और जानकारी मिलने के बाद क्या अभी तक कोई कदम उठाया गया है? जी 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 प्रियंका, अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई ध्यान आकर्षण नहीं किया गया है। सीधी सी बात है, चुनावी माहौल है और यहाँ पर लोग दूसरे चरण का मतदान होना है, ऐसे में सारे नेता जो है वो अपने चुनाव में व्यस्तता दिखा रहे हैं, तो ऐसे में जनता की समस्या को न सुनने वाला न देखने वाला कोई नजर नहीं आता है। जी जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि समस्या जनता के लिए बनी हुई है, लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए जनता को क्या अभी और समय इसी तरह परेशान रहना होगा? क्या कुछ यहां पर संचालकों के द्वारा और जनता के द्वारा अगले कदम को लेकर सोचा गया है? जी प्रियंका, जो है इस मामले में जो है जो आपूर्ति निगम के आला अधिकारी है उनसे बात करने पर उन लोगों ने साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ लिया। उनका सीधा सीधा कहना है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये प्राइवेट कंपनियों के हवाले है, जो चावल का उठान करते हैं हमालियों द्वारा किया जाता है, जिसे लेकर हम इसमें किसी भी प्रकार की मदद जो राशन दुकानदारों को नहीं कर सकते हैं। जी जी मनोज, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। कोरबा लोकसभा क्षेत्र से 34 अभ्यर्थियों ने पर्चा भरा है। चुनावी मैदान में अंतिम रूप से 27 उम्मीदवार ही बचे हैं जिन्होंने निर्वाचन विभाग में चुनाव चिन्ह लिया है। कलेक्टर और जिला चुनाव अधिकारी अजीत बसंत ने बताया है कि 34 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र भरे थे, इनमें से 5 के नामांकन रद्द कर दिए गए। अंतिम दिन 2 लोगों ने नाम वापस लिए। वहीं कोरबा में अब यह तय हो चुका है कि मतदाताओं का आशीर्वाद पाने के लिए 27 प्रत्याशी मैदान में हैं। कोरबा संसदीय क्षेत्र में मुख्य मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत और बीजेपी के सरोज पांडे के बीच माना जा रहा है। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में 34 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरा। इस स्कूटी के दौरान उनमें से 5 प्रत्याशियों को निरस्त पाए गए और इसके बाद कुल 29 प्रत्याशी बचे, जिनमें से 2 प्रत्याशियों ने आज अपना नाम वापस लिया। शेष बचे 27 प्रत्याशियों के प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई। खबर कांकेर से, जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कांकेर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। पिछले विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान कांकेर नगर के कतिपय वार्डों में मतदान का प्रतिशत कम रहा। इसी के चलते ऐसे वार्डों में कलेक्टर और जिला चुनाव अधिकारी अभिजीत सिंह ने घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात कर मतदान करने की अपील की है। साथ ही एक एक वोट के महत्व के बारे में लोगों को जानकारी दी, मतदाताओं के घर और प्रतिष्ठानों में जाकर लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने की अपील की। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल नई खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।